सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त अशिता, एंड इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैंने यूट्यूब पे कुछ भी नहीं डाला है। लेकिन बहुत सारे रीजन्स थे, मेरा फोन टूट गया था और मैं बिल्कुल भी वीडियोज नहीं बना पा रही थी। बट फाइनली आई एम बैक ऑन यूट्यूब और मैंने फोन ले लिया है, तो मैं अच्छा क्वालिटी कंटेंट अब शायद आप लोगों को दे पाऊंगी। अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाऊं। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। देखो नवरात्रि शुरू हो चुकी है और इस बार मैंने डिसाइड किया है कि नवरात्रि का मैं फास्ट करूंगी और देखते हैं 9 डेज मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। और ऐसे ही आपके साथ आज का व्लॉग जो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। अभी बेसिकली मैं अपने ऑफिस से घर पहुंची हूँ, मतलब अपनी ड्यूटी से घर पहुंची हूँ, और अभी हम क्या क्या करने वाले हैं आज के दिन में वो सब आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना के अच्छा भी लग रहा है, एंड फाइनली आई एम बैक ऑन यूट्यूब। सो बेसिकली आज का वीडियो, अभी मैं रूम पहुंची हूँ, अभी हम चेंज करेंगे एंड मैं जाऊंगी मार्केट जो हमारे साथ में यहाँ पे लोकल है, कुछ फ्रूट्स और सैलड लाने के लिए। और आज क्या डिनर में बनेगा, क्या सब होगा, वो सब भी आप साथ में शेयर करूंगी। सो या स्टे ट्यून्ड एंड मीट यू सून। तो गाइज, चेंज हो चुका है बिल्कुल, हम फ्रेशन अप हो चुके हैं और मेरे साथ मेरी कलीग भी हैं जो कि अभी कैमरे में छुप रही हैं, लेकिन मैं आपको जल्दी इनका चेहरा दिखाऊंगी। अभी हम जा रहे हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाने के लिए, और फिर उसके बाद आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है फिलहाल, तो हम फ्रूट्स लेके आएंगे, थोड़े फ्रूट्स हम खाएंगे ताकि पेट में कुछ जाए और फिर खाना बनाएंगे। तो अभी हम चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ ज्वाला जी का बाहर का नज़ारा। तो गाइस, बाहर कुछ ऐसा मौसम हो रहा है और ये मेरा यहाँ पे है घर, और ये रही मैम जो फ़ोन पे लगे हैं। सो फाइनली अभी हम चलेंगे, और आइए आप भी साथ चलिए, आओ मैम। तो गाइज़, यहाँ से हम लोग गए मार्केट के लिए, और यहाँ हम सीढ़ियाँ उतरते हुए, और मैम मेरे साथ ही थी तो हम दोनों ही साथ गए थे। हमारी वॉक भी हो गई और साथ साथ में हम सामान लाने के लिए भी गए और सामान भी लेके आ गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि आने वाले दिनों में मेरे वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला था। तो जैसे ही हम शॉप पर पहुँचे, हमने लिए अपने खीरे और 4-5 चीज़ें हमने और ऐड करी जो जो हमें चाहिए थी, और जो हमें डिनर बनाना था उस हिसाब से हमने सारा सामान लिया। और जैसे ही हम वहाँ से वापस आने लगे तो हमें हमारी जो हेड है पीसी मैम, वो हमें वहाँ पे मिले, और वो अपनी गाड़ी लेके आए थे तो हमें वापसी में लिफ्ट मिल गई अपने रूम तक, और हम पैदल आने से बच गए, जो कि हमें काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि हम थोड़े थक भी गए थे। तो गाइज़, मैं आ चुकी हूँ घर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेके, और अभी हम डिनर बनाएंगे और तब तक मैं पूजा करूँगी, और आज मैम भी मेरे साथ हैं तो हम दोनों मिलके आज खाना बनाने वाले हैं। तो अभी मैं पूजा करूँगी, और उससे पहले थोड़ी सी भूख भी लग रही है थोड़ी थोड़ी, और कुछ भी नहीं खाया, इवन मैंने फ्रूट्स भी नहीं लिया आज क्योंकि मैं कल ही घर से आई थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था रूम पे अवेलेबल, तो अभी मैं सब कुछ स्टॉक भर के ले आई हूँ। तो अभी हम चाय पियेंगे थोड़ी सी, क्योंकि चाय तो पी सकते हैं, और मुझे अभी पता चला कि जो नवरात्रि वाला खाना होता है उसमें लहसुन और प्याज दिखाते हैं, मतलब मुझे पता था बट मेरे माइंड से स्किप हो गया था। तो ठीक है, ये सब छोड़ते हैं और अभी हम चलते हैं किचन में, और मैम बना रही है चाय और मैं करूँगी पूजा की तैयारी, एंड पूजा करके फाइनली हम अपना व्रत खोलेंगे और खाना खाएंगे। तो गाइस, ये मेरी किचन है, देखो ये मैम यहाँ पे चाय बना रही हैं, और मैं पत्ती है, ये पूजा की तैयारी भी कर लेते हैं साइड वाइज। यहीं पे है इलायची का डिब्बा इस वाले में, उप्स ये तो खत्म है। तो गाइस, मुझे लगा था इलायची रूम पे है, और इस बात को लेके मेरा मोए मोए हो चुका है, पर वैसे मैं इलायची लेके आई थी यार, पता तो था मुझे खत्म होने वाली है, पता नहीं अब कहाँ रख दी मैंने। नहीं है। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने अपनी पूजा शुरू करी, और माता शैलपुत्री का पहला दिन होता है नवरात्र का। मैंने सच्ची श्रद्धा से जो मैं कर सकती थी घर के बाहर रह के मैंने किया। यूट्यूब पे मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक प्रॉपर विधि होती है हर एक फास्ट के व्रत करने की, लेकिन वो सब मेरे लिए कर पाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, तो जो था मन से था। एंड थैंक यू है माता रानी को बहुत ज़्यादा कि उन्होंने जो कुछ भी दिया है बहुत अच्छा दिया है, बस आगे ही ऐसी ज़िंदगी में तरक्की करते रहें और सब कुछ अच्छा अच्छा हम हासिल करते रहें। उसके बाद हमने डिनर में ये मीठे की चाशनी बन रही है, कोफ्ते बन रहे हैं, और रायता बन रहा है, और साथ में हमने चावल बनाए थे, ये सब हमने प्रिपेयर किया था। कोफ्ते जो है वो बिल्कुल मैम ने बनाए थे, कोफ्ते बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं गाइज़। यहाँ पे इनकी शक्ल भी इतनी प्यारी है और ये खाने में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और उसके बाद रायता, और ये हमारा मीठा है जो कि हमने रस जो बिस्किट आते हैं उसके साथ ये बनाया था। हमारा डिनर रेडी है फाइनली, अब दिन का फर्स्ट मील हम लेंगे और अपने पेट को शांत करेंगे।
तो यहाँ पे दिन का पहला मील ले रही हूँ, अलग ही खुशी चेहरे पे है। सो एनीवेज, नवरात्रि में मेरी यही विशेस हैं कि आप सब जो है अपने हिस्से की जो मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले, और माता रानी हम सब के विशेस को पूरा करें, और सबके साथ अच्छा अच्छा हो, आप सबके साथ अच्छा करें, आपके साथ अच्छा हो, और जो चाहे वो आपको मिले, बस ये है कि अपने हिस्से का जो है अच्छा कर्म हमें जो है करते रहना है। सो गाइज, मैं डिनर कर चुकी हूँ एंड दिस वॉज इट फॉर द टुडेज वीडियो। बहुत टाइम बाद मैंने व्लॉग बनाया है एंड अब मैं ट्राई करूंगी कि मैं रेगुलर हो जाऊँ यूट्यूब पे, और ये मैंने शुरुआत करी है नवरात्रि के फर्स्ट व्लॉग से। सो आने वाले डेज में भी मैं शूट करूंगी और आपसे वीडियो शेयर करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड। कमेंट सेक्शन में आइडियाज देते रहना कि क्या वीडियो बनानी है, क्या नहीं बनाना है, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए, और मैं थोड़ा सोचती रहूंगी थोड़ा सा क्रिएटिव, ताकि मैं यूट्यूब से जुड़ी रहूं, क्योंकि जब ब्रेक लगता है तो फिर बहुत चीजें डिले हो जाती है और वो चीज पेंडिंग हो जाती है एंड फिर मन नहीं करता है करने का, लेकिन मैं अब रेगुलर होना चाहती हूं। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल एंड गुड नाइट एंड टेक केयर। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।